दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आप अपने बोया माइक या कोई और कंपनी का माइक हो आप अपने ओपन कैमरा एप्लीकेशन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जी दोस्तों, कनेक्ट तो आप कर सकते हैं लेकिन कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है। वो सेटिंग क्या है और कैसे करनी है आपको, तो इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा सब कुछ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना ओपन कैमरा एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जब आप इसे ओपन कर लोगे तो आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो कोने में एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक वीडियो सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है आपको। आप कोई और सेटिंग न छेड़े, सिर्फ आपको वीडियो सेटिंग के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। तो मैं एक बार इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने और कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपको इनमें एक ऑप्शन ढूंढ लेना है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑडियो सोर्स का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑडियो सोर्स के नाम से एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपके सामने फिर से कई सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो आपको इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो एक्सटर्नल माइक लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक्सटर्नल माइक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने पहले से इस पर क्लिक करके रखा है क्योंकि मैंने अभी माइक को कनेक्ट कर रखा है। अगर मैं किसी और पर क्लिक कर दूंगा तो माइक डिसकनेक्ट हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एक्सटर्नल माइक पर ही क्लिक करना है। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।